Hey guys, what's up? So this is a continuation of Learn English or Learn Hindi by Bhanu Pratap, right? And here we will see some more sentence. So hum log yahan pe kuch aur sentence dekhenge, like how we talk to somebody, hum log kaise baat karte hain, kaise ek dusre se jab milte hain to kaise question poochte hain, right? So let's say the first sentence, when you look at the pehla sentence, jadi aap dekhoge, it is nice meeting you, aapse milkar acha laga. It's like aap kisi se milte ho to aap bahut khush ho, to aap bol sakte ho it is nice meeting you, matlab aapse milke acha laga. It is nice having you with us, aapko yahan apne saath paakar acha laga. It is nice having you, it's like aap aise bol rahe ho ki aap jo mere saath ho mujhe bahut acha laga. It is nice having you विथ हस, मतलब आपको यहाँ पे हम लोगों के साथ पाके बहुत अच्छा लगा. इट इज़ नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा. इट इज़ नाइस टॉकिंग टू यू, मतलब आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा. इट इज़ नाइस सीइंग यू अगेन, आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा. इट इज़ नाइस सीइंग यू अगेन, आपको फिर से जो मैं देख रहा हूँ अच्छा लगा. इट इज़ नाइस मीटिंग सच ए टैलेंटेड पीपल लाइक यू, मतलब आपके जैसे जो बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, जो बहुत तेज़ लोग हैं, उनसे मिल के काफ़ी अच्छा लगा. लाइक आप जैसे टैलेंटेड लोगों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, राइट? यू आर लाइक इट्स यू आर प्रेजिंग समबडी, आप किसी की प्रशंसा करते हो. सो यू से दैट इट इज़ नाइस मीटिंग सच ए टैलेंटेड पीपल लाइक यू, राइट? हैव यू बीन टू दिल्ली, क्या आप कभी दिल्ली गए हो? हैव यू बीन टू दिल्ली, क्या आप कभी दिल्ली गए हो? लाइक यू आर आस्किंग समबडी, लाइक हैव यू बीन टू दिल्ली, क्या आप कभी दिल्ली गए हो? Have you been abroad? क्या तुम कभी विदेश में गए हो? मतलब आप बोल रहे हो कि आप इंडिया से बाहर कभी गए हो क्या? Have you been abroad? क्या आप बाहर कभी गए हो, विदेश गए हो? Have you been to US? क्या तुम US कभी गए हो? Have you been to Bihar? क्या तुम कभी बिहार गए हो? Yes, I have been to Bihar. So my reply would be yes, I have been to Bihar. हाँ, मैं बिहार गया हूँ. Or I can say that no, I have not been to Bihar. मतलब मैं बिहार नहीं गया हूँ. मतलब जब भी आपको आप किसी चीज़ की जगह पे नहीं गए हो तो आप बोल दो नो आई हैव नॉट बीन टू बिहार, और यू जस्ट से यस आई हैव बीन टू बिहार, राइट? नाउ अनदर काइंड ऑफ सेंटेंस, जो कुछ अलग तरीके का जो सेंटेंस होता है, कैसे हम लोग बोलते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर भानु टू यू. लाइक ये ऐसे है कि आपके यहाँ कोई रिलेटिव आते हैं, राइट? आपके घर पर कोई रिलेटिव आते हैं, व्हेन सम रिलेटिव कम्स टू योर हाउस, और वो जो रिलेटिव है ही इज़ न्यू टू द फैमिली, राइट? ही इज़ न्यू टू द फैमिली, मतलब आपके जो फैमिली मेम्बर है उस रिलेटिव को नहीं जानते हैं, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले परिचय कराते हो, राइट? आप हमेशा परिचय कराते हो, तो ऐसे बोलते हैं हम लोग, लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर भानु, जो भी है रिलेटिव का नाम, टू यू, मतलब मैं मिस्टर भानु को आपसे परिचय करवाता हूँ. ओके, आप उसका परिचय करवाते हो, लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर भानु टू यू, मैं उसे परिचय करवाता हूँ. लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर अमित टू यू, मतलब मैं अमित को आपसे परिचय करवाता हूँ. लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर अनीता टू यू, मैं अनीता को आपसे परिचय करवाता हूँ, मतलब जो अनीता है उसको मैं आपसे परिचय करवाता हूँ. लेट मी टेक लीव ऑफ यू, टिल देन गुड बाय. इट्स लाइक आप किसी के घर जाते हो, वेन यू गो सम वन हाउस एंड यू आर गोइंग आउट, राइट? एंड फाइनली यू आर लिविंग, सो आप वहाँ से जा रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, लेट मी टेक अ लीव ऑफ यू, राइट? मतलब मुझे अभी जाने दो, टिल देन गुड बाय, मतलब अब मैं अभी जा रहा हूँ, तब तक के लिए अलविदा, राइट? सो लेट मी टेक अ लीव ऑफ यू, मतलब मैं आप लोगों के पास से जा रहा हूँ, तब तक के लिए अलविदा. लेट मी टेक लीव ऑफ यू, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू, मतलब मैं अभी जा रहा हूँ, आप लोगों से बात करके काफ़ी अच्छा लगा, राइट? लेट मी टेक अ लीव ऑफ यू, मतलब मैं अभी आप लोग के पास से जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से बात करके काफ़ी अच्छा लगा, राइट? सो जो भी स्लाइड है मेरे, उसको आप बार बार रिपीट कीजिए, 3 times, 4 times, 5 times, ताकि आप अपने से बोल सकते हैं इंग्लिश. और इसीलिए मैं कभी भी बड़ा स्लाइड नहीं बनाता हूँ, क्योंकि आप छोटे छोटे स्लाइड होंगे तो आप कभी भी 2-3 minutes का टाइम स्पेंड करके और आप इंग्लिश सीख सकते हैं, राइट? तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू वंस अगेन.